हेलो गाइस, सो वेलकम बैक गाइस एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस इस वीडियो में हम आपको कक्षा दसवीं का जो गणित का पेपर होना वो गाइस 6 जून को होना है। सो गाइस यहां पर हम आपको पूरा का पूरा जो पेपर रियल है बिल्कुल पूरा दिखाने वाले हैं। अभी अभी रात में हमें पूरा रियल पेपर मिला है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस आपको पूरा रियल पेपर दिखा देते हैं एक बार। पहले गाइस यहाँ पर आपको सब्सक्राइब को बटन दिखाई देगा। सो सब्सक्राइब को बटन पर जल्दी से हाथ मार दीजिए। सो जल्दी से सब्सक्राइब होता जाना चाहिए और गाइस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पर गाइस चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर 6 अंक के हैं, आपको 7 में सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख लीजिए पहला का आंसर ए हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा आपका सी नंबर। और गाइस साथ में हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर पहले का हो जाएगा ए, आपके 6 अंक पक्के होने वाले हैं। यहाँ पर दूसरे में हो जाएगा आपका सी नंबर, तीसरे में हो जाएगा आपका बी नंबर, चौथे में हो जाएगा आपका बी नंबर और पांचवे में भी आपका बी नंबर हो जाएगा। और हाँ गाइस आपको हम बता दें जो आपका हिंदी का पेपर हो चुका है, कक्षा दसवीं का हिंदी का पेपर हो चुका है। सो गाइस उस जो हिंदी का पेपर हो चुका है वो आपके वार्षिक पेपर से बिल्कुल पूरा का पूरा आया है। सो गाइस हम आपका जो मैथ का पेपर है वो वार्षिक पेपर भी हम साथ में रखे हुए हैं। और गाइस जो हमें अभी पेपर मिला है वो दोनों हम आपको दिखाने वाले हैं, जो आपका वार्षिक पेपर, क्योंकि इससे भी पूरे के पूरे एक दो क्वेश्चन बदलते हैं, पूरा का पूरा वही आ जाता है पेपर। सो गाइस हम आपको वार्षिक पेपर के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरे सभी दिखा देंगे। गाइस आपको इसे भी एक बार याद कर लेना है ताकि आपके 32 में से एक भी नहीं कटे, सीधे 32 में 32 आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 32 नंबर के आते हैं, सो आपके 32 में एक भी ना कटे, इसलिए आपको पूरा का पूरा हम पेपर दिखा देते हैं आपको। चलिए हम एक क्वेश्चन नंबर 1 से दिखा देते हैं। पहले गाइस हम ये देख लेते हैं जो हमारे पास पेपर है, ये आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, फिर हम आपके जो वार्षिक पेपर है वो देख लेंगे। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर छठवा दिखाई देगा आपको। यहाँ पर गाइस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, आपको 7 अंक हैं। देख लीजिए यहाँ पर 4 खाली रिक्त स्थान है, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए चारों के चारों रिक्त स्थान। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर 5वां 6वां 7वां यहाँ पर देख लीजिए, 7ों के 7ों हमने आपके जो रिक्त स्थान है पूरे भरा दिए। यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी बनाई है, यहाँ पर सही जोड़ी आपकी देख लीजिए, ये पहले का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दीजिए, आप अच्छे से देख लेना दोस्तों। आपको पूरे पूरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो रट के जाना ताकि आपके 32 में से एक भी ना कटे। देख लीजिए यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, आपको 7 अंक के हैं आपके। देख लीजिए पूरा हमने एक शब्द एक वाक्य में आपके उत्तर पूरे के पूरे कर दिए हैं। यहाँ पर गाइस आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल जाता है। और गाइस देख लीजिए यहाँ पर 77 हैं आपके जो 6 अंक। और हाँ गाइस इससे आगे का पेपर जो ये पेपर मैं दिखा रहा हूँ, इससे आगे का अगर पेपर देखना चाहते हैं तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करना। सो इससे आगे का आपको जो 6वां 7वां 8वां 9वां 23 तक क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अब आपके जो वार्षिक पेपर है उसे देख लेते, क्योंकि इससे हिंदी का पेपर जैसा वार्षिक पेपर में आया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही आया, एक क्वेश्चन इधर उधर था और बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा ही आया। सो गाइस आपको ये जो वार्षिक पेपर है वो भी अच्छे से देख कर जाना, रट के जाना है, इससे भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, बिल्कुल वैसे का वैसा ही आ जाता है ताकि स्टूडेंट पास हो जाए। देख लीजिए यहाँ पर पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 अंक के आपके हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहला सही विकल्प है, दूसरा यहाँ पर 6 को 6 दिखाई देंगे। यहाँ पर देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा, इसका सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर तीसरा चौथा हो जाएगा, 5वां 6वां यहाँ पर 6 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही विकल्प हैं। फिर आगे इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में 7वां। गाइस अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते, आपके पास टाइम नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए 7 अंक के आपके रिक्त स्थान होने वाले हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका रिक्त स्थान ए, आपका पहला रिक्त स्थान ए, दूसरा है आपका रिक्त स्थान, तीसरा, चौथा, 5वां 6वां कुछ बच्चों के जो वार्षिक पेपर है वो हीरा थोड़ी मिल नहीं रही है, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ ताकि स्टूडेंट फैल रहा हूँ अच्छे से देख लें ये पेपर, क्योंकि इसी से पूरा का पूरा पेपर आपका आ रहा है। रुक जाना नहीं के जो पेपर हो रहे हैं वो गाइस वार्षिक पेपर से बिल्कुल पूरा का पूरा आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 7ों के 7ों आपके रिक्त स्थान है, सो आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही है,
देख लीजिए यहाँ पर सही जोड़ी जो 3 नंबर की है, तीसरे नंबर पे है सही जोड़ी, यहाँ पर 6 अंक की आपकी सही जोड़ी है। अगर गाइस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को तो ध्यान करके लाइक कर ही दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर स्तंभ आ दिखाई देगा, स्तंभ बी, यहाँ पर स्तंभ ए और स्तंभ बी से मिलाना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए आपको 6 जो आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी है, 6 को 6 आपकी देख लीजिए सही जोड़ी है, आप अच्छे से देख लेना, बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना आप अच्छे से। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, 4 नंबर पे आपको दिया हुआ प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। यहाँ पर 7 अंक का है आपका, यहाँ पर 4th प्रश्न है जो आपका 7 अंक का है। यहाँ पर 7 के 7 देख लीजिए आपके एक वाक्य में आपको करना, पहला है हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, यहाँ पर 7 के 7 आपको पूरे कर लेने अच्छे से। गाइस हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके 32 में से एक भी ना कटे, 32 के 32 ही आ जाना चाहिए ताकि आप पास हो जाते हैं। और गाइस जितने मैंने पुराने पेपर है, ये जो आपका वार्षिक पेपर है, इसके भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के जाना है, और जो मैंने अभी पेपर इसके पहले दिखा दिया उसके भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना है, जिससे आपके 32 में 32 आ जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 5वां में है, 6 अंक आपके 7 हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में। यहाँ पर देख लीजिए आप, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। गाइस आपको इसका अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और हाँ गाइस आपके पास अब टाइम नहीं बचा है जिससे आप प्रश्नोत्तर याद कर सके, सो इसलिए गाइस हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिए। सो यार गाइस चैनल को तो ध्यान करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आपका अगला पेपर होना है वो हम आपको अच्छे से पूरी तैयारी करा सकें, क्योंकि आपके पास अभी चैनल की जानकारी नहीं थी, इसलिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का जो पेपर है वो अच्छा जाए और हम ऐसी तैयारी करा देंगे अगले पेपर की कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और गाइस वीडियो को अंत तक देख लें, तो वीडियो यार पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर ही दीजिए।